स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? ये आपका स्टेप फार्मिंग का स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखोगे इनमें लेयर्स बनी हुई हैं। तो इससे पहले मैं बताऊं कि स्टेप फार्मिंग होती क्या है। स्टेप फार्मिंग मीन कि हमने खेत इस तरीके से बनाए हैं कि सीढ़ीदार नुमा खेत होंगे। आपने खेत देखे होंगे फ्लैट राइट। अगर आप पंजाब हरियाणा में देखोगे तो आपको सीधे खेत दिखेंगे, लेकिन पहाड़ों में स्पेशली इस टाइप की फार्मिंग की जाती है जिसे हम टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग या फिर कॉन्टूर फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब इस फार्मिंग करने का या फिर इस तरीके से फार्मिंग करने का क्या मतलब है? ये मतलब है अगर हम खेत सीधे बना देंगे जब बारिश होगी तो उससे सोयल इरोजन होने का ज़्यादा खतरा रहता है और जो सारी मिट्टी है वो नीचे की तरफ को बह जाती है। तो इसीलिए स्टेप वाइज छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं और जब भी बारिश होती है तो जो पानी है उसका बहाव कम हो जाता है और धीरे धीरे से पानी नीचे की ओर रिसता है और हम ऑर्गेनिक वे से और एक सिस्टमेटिकल वे से अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद।